में 70% लोग गाड़ी तो ले लेते हैं बट अकेले ही ट्रैवल करते हैं। तो जब सोलो ही ट्रैवल करना है तो कॉम्पैक्ट कार के लिए चाहिए। बट जब गाड़ी लेने के बाद आप लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज ट्रैफिक को मॉडरेट करते हैं, तो 81% लोग ऐसे हैं जो डेली ट्रैफिक को फेस करते हैं और उससे परेशान रहते हैं। तो जब इतनी परेशानियां हैं तो कॉम्पैक्ट कार लीजिए और इजीली जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना लीजिए। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी कॉम्पैक्ट ईवी से जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी, क्योंकि ये इतनी कॉम्पैक्ट है कि ये इजीली पार्क भी हो जाती है, ट्रैफिक से निकालना हो इजीली ट्रैफिक से निकल भी जाती है, और छोटे स्पेसेस से अगर आप लोग को टर्न करना हो तो वहाँ से भी ये गाड़ी निकल जाती है। इस गाड़ी का नाम है MG कॉमेट ईवी। ये गाड़ी नई नवेली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो MG की तरफ से आपके सामने आ चुकी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी है कैसी, कैसी चलती है, कैसी दिखती है, कैसा फील होता है, सारी चीज़ें शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात करता हूँ इस नई नवेली MG कॉमेट ईवी के बारे में। ये नई MG कॉमेट ईवी जिस प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है वो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड वाला ऑप्शन है। अब ये प्लेटफॉर्म जो है ये ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला ऑप्शन है, जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है, जहाँ पर तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ ग्लोबली बिक चुकी हैं। और ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप लोग को पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी से लेके प्लेटफॉर्म उसको फिर इलेक्ट्रिक कर दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही बनाया गया प्लेटफॉर्म है, जो काफ़ी स्ट्रांग भी है। काफ़ी सारी टेस्टिंग इसकी हुई है, 39 तरीके के टेस्ट से ये गुजारा गया है। सिर्फ क्रैश टेस्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे टेस्ट के साथ ये गुजारा गया है, जहां पर इसकी सेफ्टी को पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। अगर बात करता हूँ गाड़ी किस तरीके से दिखाई पड़ती है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूँगा गाड़ी उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा स्टाइलिश हैं, ज़्यादा फैशनेबल हैं और अपने हिसाब से कलर चाहते हैं। अब वो ज़माने चले गए जहाँ पर आप लोग कंपनी के हिसाब से गाड़ियों के कलर चूज़ करते थे और फिर उसको गाड़ी को पिक करते थे। अब ऑप्शन ये है कि आप लोग तकरीबन MG की इस कॉमेट ईवी में 250 से ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जहाँ पर कॉम्बिनेशन से आप लोग ग्राफिक्स और स्टिकर्स का इस्तेमाल करके गाड़ी को पर्सनलाइज कर सकते हैं, एक्सटीरियर को भी और इंटीरियर को भी, सीट कवर से लेकर हर चीज़ आप लोग अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अलग चीज़ है जो MG कॉमेट ईवी में आपको मिलती है और किसी गाड़ी में आप लोग को नहीं मिलेगी। साथ ही अगर बात करता हूँ गाड़ी का डिज़ाइन किस तरीके से, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, बॉक्सी शेप की ये कार है, जहाँ पर बड़ी सी एक LED स्ट्रिप आप लोग को दी जा रही है। फ्रंट में काफ़ी डिफरेंट सा लुक है, एक बड़ी स्ट्रिप मिल रही है LED की। साथ ही यहाँ पर आप लोग डबल टैप करेंगे तो ये चार्जिंग पोर्ट है जो इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि MG का लोगो दिया गया है। अब ये कोई नॉर्मल लोगो नहीं है बल्कि ये लोगो भी लिट अप हो जाता है, इसके अंदर भी लाइट लगी हुई है। रात में जब आप लोग गाड़ी को खड़ा करेंगे या उसको बंद करेंगे तो ये लोगो भी लिट अप हो जाता है और ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से इसके अंदर लाइट जल गई है, तो ये काफ़ी अलग लगता है। साथ ही यहाँ पर डुअल LED हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, नीचे आप लोग को इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पर कुछ एयर डैम्स आ रही हैं। साइड में अगर आते हैं गाड़ी के अंदर आप लोग को जो व्हील्स मिलते हैं वो थोड़े छोटे हैं साइज़ के, क्योंकि गाड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की है और इस गाड़ी को जो इसके टायर दिए गए हैं वो 12 इंच के व्हील दिए गए हैं। साइड में अगर आता हूँ यहाँ पर जो साइड मिरर्स मिल रहे हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो हाइट है, अगर आप लोग मेरी हाइट से कंपेयर करेंगे तो डायमेंशन तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बट यहाँ पर मेरी हाइट प्रैक्टिकली कितनी है, देखिए यहाँ पर मेरी हाइट 5'8" है और यहाँ पर जब ये गाड़ी खड़ी है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं गाड़ी के ऊपर की छत देख पा रहा हूँ, तो इतनी इसमें स्पेस मिलता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप लोग को बाहर से इतनी ऊंचाई मिल रही है बल्कि अंदर से जब आप लोग बैठेंगे तो आप लोग को कोई हेडरूम वगैरह काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, जो भी आपको मैं बैठ के दिखाऊंगा। बट यहाँ पर अगर बात करता हूँ एक्सटीरियर में और क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, अगर चाबी नहीं भी है बटन दबाइए, चाबी अगर आपकी पॉकेट में है मेरी तरह तो इसको और खोलिए, ये अपने आप ऐसे जो है इस तरीके से खुल जाता है। और काफ़ी वाइड डोर है क्योंकि 2 डोर का ऑप्शन मिल रहा है, 4-सीटर कार है तो काफ़ी वाइड है, इजीली आप लोग अंदर चले जाएंगे, चाहे आप जितने भी मोटे हैं, मेरी तरह मोटे हैं या मुझसे ज़्यादा मोटे हैं, तो आप लोग अंदर इजीली जा सकते हैं। रियर की तरफ आता हूँ, देखिए यहाँ पर आप लोग को ई इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल रही है, इलेक्ट्रिक कार है ये बता रही है अपने आप में।
साथ में यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैजिंग है ताकि पीछे से लोग देखें पता चल जाए भैया ये ईवी है। साथ ही यहाँ पर एमजी कॉमेट का लोगो है और यहाँ पर इंटरनेट इंसाइट की बैजिंग दे रही है। बट अब अगर आपको आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पर देखिए एलईडी स्ट्रिप वगैरह मिल रही है, एलईडी टेल लाइट्स मिल रही हैं, बट बूट स्पेस कितना बड़ा है, कितनी प्रैक्टिकल है ये कार, उसके लिए मैं यहाँ बटन दबाऊंगा और ये बूट जो है ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोलिक्स तो दिए गए हैं बट कोई बटन नहीं है कि आप लोग यहाँ पर इसको ओपन कर सके या क्लोज कर सके, या आप लोग को थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर स्पेस जो है आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ही है। यहाँ पर आप लोग एक दो बैग रख सकते हैं, ऑफिस बैग रख सकते हैं, लैपटॉप बैग रख सकते हैं, कुछ और सामान रख सकते हैं। बट अगर आप लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं 71% लोगों की तरह, तो फिर आप लोग उसमें आप लोग इस सीट को 50% जो स्प्लिट मिल रहा है, दोनों ही सीट जो है वो फोल्ड हो जाती हैं, जिससे आप लोग को स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आप लोग ऐसी गाड़ी की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर आप लोग को ज़्यादा पर्सनलाइजेशन ऑप्शन मिले, आप लोग को बेटर डिज़ाइन मिले और आप लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ पॉकेट पर भी ज़्यादा असर ना पड़े, तो मेरे हिसाब से लुक्स में तो ये गाड़ी अच्छी है। बट आइए बात करते हैं कि भैया गाड़ी का इंजन कैसा है। अब इंजन तो इसके नहीं है, जो भी बैटरी है, मोटर है, वो कितनी पावर की मिल रही है, कैसा फील होती है, उस पर बात करेंगे। बट पहले आपको बताता हूँ कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और किस तरीके से इसके अंदर बैटरी वगैरह मिलती है, कितना चार्जिंग पॉइंट है, आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ उस चीज़ के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और वो है कि भाई गाड़ी के अंदर कितनी बड़ी बैटरी मिलती है, कितना टाइम ले लेती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कितनी रेंज देती है। देखिए ये एमजी कॉमेट ईवी कॉम्पैक्ट कार तो है बट इसके अंदर रेंज काफ़ी अच्छी मिल रही है। रेंज से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी कितनी पावरफुल है। देखिए 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक इसके अंदर दिया जाता है, जिसको आप लोग अगर 80% चाहें तो तकरीबन 5 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हैं, और अगर पूरा चार्ज करना है 0 to 100% चार्ज करना है तो तकरीबन 7 घंटे में गाड़ी फुली चार्ज हो जाएगी। अब चार्ज तो हो जाएगी बट रेंज कितनी देगी, देखिए ये गाड़ी तकरीबन 230 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देती है, और ये गाड़ी 230 किलोमीटर की रेंज दे रही है, जो मेरे हिसाब से तकरीबन अगर आप लोग चार्ज भी करते हैं तो हफ्ता भर जो है आप लोग 519-520 रुपये में जो है वो इजीली निकाल पाएंगे। मतलब 519 रुपये में क्या होता है, मतलब अगर आप लोग पूरे हफ्ता भर चला रहे हैं गाड़ी को तो आप लोग 519 रुपये में गाड़ी को चला रहे हैं, और जो पिज़्ज़ा के प्राइस से भी कम है। तो मेरे हिसाब से कन्वीनियंस तो बहुत है इस गाड़ी के अंदर, जहाँ पर ये आपके पैसे तो ज़रूर बचाने वाली है। बट अगर बात करता हूँ पावर कैसी है, क्योंकि कॉम्पैक्ट कार है, लोग समझ रहे होंगे पावर नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर पेट्रोल से ज़्यादा इनिशियल पिकअप होता है, और वो इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो पावर है वो 42 पीएस की तो मिलती है, बट जो टॉर्क है वो उससे दुगना मिलता है, 110 एनएम का मिल जाता है, जो दुगने से भी ज़्यादा है। तो पिकअप अच्छा है, चलाने में फील अच्छी होती है। कैसी फील होती है वो मैं आपको चलाकर बताऊंगा, बट अभी फिलहाल हम लोग और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर, एमजी की गाड़ी के अंदर स्पेशली आप लोग को सबसे अच्छे फीचर मिलते हैं। तो आइए फीचर के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कितने अच्छे फीचर ये एमजी कॉमेट ईवी आप लोग को ऑफर कर रही है। तो आइए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की रिमोट मिलता है, जहाँ पर आप लोग को लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है, यहाँ पर आप लोग को बूट ओपन करने का फीचर मिलता है। आइए अंदर चलता हूँ, बहुत सारे फीचर हैं एमजी की कार के अंदर जिसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं इस गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद काफ़ी एयरीनेस वाला फील आता है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आप लोग को वाइड इंटीरियर्स मिलते हैं। फीचर की बात करता हूँ, बड़ी सी 10.25 इंच का यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसके अंदर तकरीबन 55 कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और तकरीबन 30 से 40 फीचर आप लोग को इसके अंदर मिलते हैं, जो कि वॉइस कमांड के तकरीबन 35 कमांड्स आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं, जिससे आप लोग इस गाड़ी को यहाँ पर बटन दबाकर, जो स्टीयरिंग पे बटन दिया गया है माइक वाला, इसको दबाकर आप लोग जो है इससे बातें कर सकते हैं। हेलो एमजी, प्ले म्यूजिक। तो इस यहाँ पे इसने म्यूजिक ऑन कर दिया। तो इसी तरीके बहुत सारे फीचर आप लोग ने देखे होंगे कि साइड में यहाँ पर म्यूजिक आ चुका है। अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ तो देखिए इस गाड़ी के अंदर आप लोग को एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, साथ ही यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं गूगल मैप सामने आ रहा है, नेविगेशन वगैरह मिलता है, सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। बहुत सारे फीचर्स की लिस्ट है जो आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। बाकी अगर बात करता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग को चार्जिंग ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर डुअल जो है यूएसबी पोर्ट दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ हैंग करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ हैंग करना चाहते हैं, कोई बैग है, कोई पॉली बैग वगैरह है, तो आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से टांग सकते हैं। यहाँ पर कोई ग्लोव बॉक्स नहीं दिया गया है, बट साइड में अगर आप लोग देखते हैं तो अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आप लोग को गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। अगर आप लोग पास से देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर ट्रिपल ऑप्शन दिख रहे हैं कि आप लोग को तीन उसके अंदर पार्टीशन बनाया गया है, वहाँ पर आप लोग स्पेसेस हैं, आप लोग चीज़ें रख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आता हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ मुझे गाड़ी के अंदर लगती है कि इसके अंदर आप लोग पैर को इधर भी ले जा सकते हैं, और उसकी खासियत यह है कि गाड़ी यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, सेंटर कंसोल इसके अंदर नहीं है, जिससे आप लोग को
कंफर्ट से आप लोग ज़्यादा कंफर्ट के साथ इजीली बैठ सकते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक के साथ आती है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक डायल दिया गया है, बड़ा सा नॉब वगैरह जो गियर लीवर होता है वो नहीं दिया गया है, छोटा सा नॉब दिया गया है। इसके अंदर ड्राइव, रिवर्स और न्यूट्रल का ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो दोनों डोर के अंदर पावर विंडोज़ हैं वो आप लोग को यहाँ पर फिक कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आप लोग को बड़ा सा एक लीवर दिया जा रहा है जो कि इसकी हैंड ब्रेक है। यहाँ पर कुछ एसी वेंट्स हैं, यहाँ पर भी एसी वेंट्स हैं और साथ ही यहाँ पर एसी वेंट्स दी जा रही हैं। और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है कि आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसको अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं। मतलब इसकी जो हाइट है वो एडजस्टेबल है बट ये अंदर बाहर नहीं हो सकता है। राइट में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग को हेडलाइट लेवलर दिया गया है, ORVM को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इस गाड़ी के अंदर आप लोग को मिलती हैं। यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं और जो बटन्स हैं इसके वो एप्पल से इंस्पायर्ड दिख रहे हैं, जिस तरीके से एप्पल के होते हैं जहाँ आपको कम दबाना पड़ता है। जो नई मैकबुक आ रही है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा उस तरीके से बटन होते हैं, आईपॉड के अंदर जो बटन्स होते हैं तो उस तरीके से फील आता है जिस तरीके से पहले आईपॉड के अंदर हुआ करता था। तो वो बटन, वो वाले स्विच इसके अंदर फील हो रहे हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक है। वो जो ब्लैक कलर के टॉगल बटन होते थे उससे बेटर आ रहा है, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। बाकी यहाँ पर अगर बताऊँगा तो यहाँ पर वैनिटी मिरर यहाँ पैसेंजर को पैसेंजर के लिए मिल रहा है, ड्राइवर के लिए मिरर यहाँ पर दिया जा रहा है और यहाँ पर आप लोगों को सेंटर में लाइट दी जा रही है जो कि वो भी LED है, वाइट कलर की उसके अंदर लाइट निकल रही है। कोई सनरूफ इस गाड़ी के अंदर नहीं दी गई है, छोटी सी गाड़ी है इसमें सनरूफ का फिर ऑप्शन नहीं होगा, फिर उसमें रूफ का जो पार्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बट इसलिए यहाँ पर जो है सनरूफ नहीं मिल रही है। बाकी अगर बात करता हूँ और क्या फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स गाड़ी के अंदर मिलते हैं, सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन सेफ्टी में बात करता हूँ तो इसकी जो बैटरी है वो IP67 सर्टिफाइड है। गाड़ी के अंदर डुअल फ्रंट एयरबैग्स दिए जा रहे हैं, ABS प्लस EBD मिल रहा है। चारों सीटिंग के लिए आप लोग को जो है सीट बेल्ट दी जा रही हैं, रियर पार्किंग सेंसर दिए जा रहे हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स मिल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। रियर में आप लोग को आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी मिल रहे हैं और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक ऑप्शन भी मिल रहा है। तो सेफ्टी गाड़ी के अंदर अच्छी है, एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS EBD मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें ये गाड़ी ऑफर कर रही है। उसके अलावा कई सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जैसे इसके अंदर आप लोग को 30 से ज़्यादा इंग्लिश वॉइस कमांड के ऑप्शन मिलते हैं और तकरीबन 55 से ज़्यादा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं। ब्लूटूथ है, कनेक्टिविटी आप लोग दो तरह की कनेक्टिविटी मिलती है, जहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, 3 चार्जिंग पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर आप लोग को, और कई सारे ऑप्शन हैं, म्यूज़िक वगैरह के भी ऑप्शन मिल रहे हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो MG ऑफर कर रही है जो आप लोग देख पा रहे हैं। और सिटिंग में आप लोग को रियर में 50-50 का स्प्लिट मिलता है और जिससे आप लोग ज़्यादा स्पेस के लिए सीट को डाउन कर सकते हैं और ज़्यादा स्पेस पा सकते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर हैं जो आपको MG ऑफर कर रहा है और MG में मेरे हिसाब से इस टाइम मार्केट में MG से कोई टक्कर नहीं ले सकता फीचर्स के मामले में। पर MG के फीचर्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर इस टाइम मुझे लगता है कि MG जो है फीचर में काफ़ी अच्छा कर रहा है, जहाँ पर आप लोग को हर चीज़ दे रहा है। और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो जिस वक्त मैं गाड़ी को शूट कर रहा हूँ अभी तक प्राइस जो है वो लॉन्च नहीं किया गया है, बट जो एक्सपेक्टेड प्राइस है या फिर अगर लॉन्च से पहले इस वीडियो के आने से पहले अगर प्राइस आ जाता है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कितने प्राइस पर ये गाड़ी आई है। बाकी जो AC वगैरह है वो इसके अंदर मिल रहा है, यहाँ पर AC जो है वो मैनुअल नॉब्स दिए जा रहे हैं। देखने में आप लोग को ये ऑटोमेटिक लग रहा होगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, ये मैनुअल डायल्स हैं जो आप लोग काफ़ी अच्छे लुक्स आ रहे हैं जिससे आप लोग गाड़ी के AC को ऑन कर सकते हैं। बाकी ड्राइविंग में क्या फील होता है, किस तरीके से गाड़ी चलती है, आइए मैं इस गाड़ी को रोड पे लेके चलता हूँ, इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि गाड़ी किस तरीके से चलती है और क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा ड्राइविंग का। फीचर्स तो आप लोग ने देख लिए कि MG कॉमेट पे कितने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। अब आइए दिखाता हूँ उस चीज़ को जिसको आप लोग सोच रहे हैं कि अंदर है या नहीं, और वो है गाड़ी के अंदर स्पेस कितना है। यहाँ से गाड़ी खुलती है और अगर पीछे जाना है तो दो डोर ही हैं, आप लोग 4 डोर तो मिलता नहीं है कि आप लोग पीछे वाले डोर से जाएं। तो यहाँ पर दूसरे डोर में यहाँ पर आप लोग को एक लैच मिलता है जिसको आप लोग ऐसे करेंगे, सीट आगे चली जाती है, वन टच है, आप लोग ज़्यादा दूसरा हाथ मैंने लगाया नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से ऑप्शन है इजीली, मैं यहाँ से चढ़ूंगा और अंदर चला जाऊँगा, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से स्पेस मिल रहा है। मेरे हिसाब से जितना इस गाड़ी का साइज़ है जो तकरीबन 3 मीटर से भी कम है, उसके हिसाब से इसके अंदर जो स्पेस मिल रहा है वो अच्छा खासा है। इस सीट को मैंने आगे नहीं किया है, ये 5'8" वाले हाइट के बंदे के हिसाब से एडजस्टेड है, जिसको मैंने भी गाड़ी चलाई है उस हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरी हाइट 5'8" है, तो मैं पीछे बैठा हूँ, इजीली बैठ पा रहा हूँ।
यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा है, हेडरूम तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर जो लेग रूम है, नी रूम है, वो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना सही मिल रहा है। थोड़ा सा आप लोग को गर्मियों के मौसम में एसी जब चलाएंगे तो आप लोग को थोड़ी सी राहत मिलेगी, बट यहाँ पर विंडो ओपन नहीं हो पाती है, तो ये एक अलग सी चीज़ है जो आप लोग को नॉर्मली कार में देखने को नहीं मिलती है, तो ये एक अलग चीज़ है। बट स्पेस इसके अंदर जो है वो अच्छा खासा दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली कि गाड़ी किस तरीके से दिखाई पड़ती है, कितने फीचर ऑफर कर रही है, कितनी बैटरी, कितनी पावर वगैरह मिल रही है। बट अब पावर वगैरह जो है सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को दिखाना भी पड़ेगा कि गाड़ी कितनी पावरफुल है और कैसी फील होती है ड्राइविंग वगैरह में, कैसा फील आ रहा है। तो आइए गाड़ी के अंदर चलता हूँ और लेके चलता हूँ इस गाड़ी को ड्राइव पर। ये मैंने सीट बेल्ट लगाई और सीट बेल्ट लगाने के बाद इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, दो बार ब्रेक पेडल को दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और गियर लगाया और गाड़ी डी पे करी और ये गाड़ी आगे चल दी। फाइनली अब मैं राइड कर रहा हूं एमजी की कॉमेट ईवी। अब सबसे पहले बात करता हूं कि किस तरीके से फील होती है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जिस तरीके से एमजी ने कहा कि गाड़ी जो है बाहर से कॉम्पैक्ट है और अंदर से बड़ी लगती है, बिग फ्रॉम इनसाइड एंड कॉम्पैक्ट फ्रॉम आउटसाइड, और ये चीज़ फील भी होती है। हॉर्न सुन रहे हैं आप लोग किस तरीके से फील हो रहा है, थोड़ा सा लाउड है, अंदर भी फील होता है बट बाहर भी अच्छा खासा है, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी की पर्सनैलिटी है लोग हट जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। बाकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो मुझे ड्राइविंग सीट पे बैठते ही फील हुई थी, और वो ये था कि भाई यहाँ पे जो नॉर्मल कन्वेंशनल कार्स होती हैं जहाँ पे आप लोग एक ही तरीके से डैशबोर्ड देखते हैं कि डैशबोर्ड जो होता है वो सेंटर कंसोल से कनेक्टेड रहता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेंटर कंसोल का पार्ट जो होता है बीच में वो नहीं है। उससे फ़ायदे ये होते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, आप पैर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इधर भी पैर ले जा सकते हैं, मतलब जो को पैसेंजर साइड है वहाँ पर भी आप लोग जो है अपने पैर को ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ फील हो रही है भाई चलाने में। सबसे पहला फ़र्क तो एम जी कॉमेट ईवी में ये है कि एयरीनेस फील हो रही है, बड़ी है अंदर से, वो इसलिए भी है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ड्राइवर को तो आप लोग को ज़्यादा ही बड़ा फील होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप लोग पैर स्ट्रेच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अंदर केबिन के जो एयरीनेस आ रही है वो इसलिए भी आ रही है कि यहाँ पर जो इंटीरियर्स दिए गए हैं वो पूरी तरीके से लाइट कलर्स हैं। अब यहाँ पर ग्रे कलर का और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है, जिससे क्या है कि सभी गाड़ियाँ जो हैं वो अपने आप ही, अगर लाइट कलर का इंटीरियर होता है तो एयरीनेस फील होती है। बाकी उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि भाई गाड़ी के अंदर जो है जो फील होता है वो काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, मतलब मुझे इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा किसी सेडान और ईवी की तरह, सेडान और एसयूवीज की तरह जहाँ पर मैं ज़्यादा स्पेस लूँगा। यहाँ पे मैं इजीली मैनूवर कर पा रहा हूँ और ये बहुत बड़ी खासियत है कॉमेट ईवी की, इजी मैनूवरेबिलिटी है। जैसे मुझे अगर टर्न भी लेना है तो मैं इजीली जो है बिना सोचे समझे छोटे स्पेसेस से, जिस तरीके से आप लोग टू व्हीलर से निकल जाते हैं वो कुछ फील आ रहा है, क्योंकि गाड़ी का जो डायमेंशन है वो 3 मीटर के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर से भी कम है। और अगर बात करते हैं पावर की, ये पावर कैसी फील होती है, देखिए गाड़ी के अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जहाँ पर इको है, नॉर्मल है और स्पोर्ट्स मोड है। अब अभी मैं गाड़ी को चला रहा हूँ इको मोड पे, तो मुझे अच्छा खासा एक्सेलरेशन मिल रहा है और ज़्यादा रेंज भी मिलती है इको वाले मोड में। बट अगर मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेलरेशन चाहिए, ज़्यादा बेटर पावर चाहिए, तो फिर जो मैक्सिमम पावर है वो आपको स्पोर्ट्स वाले मोड में मिलती है, और अभी मुझे ज़्यादा रेंज चाहिए तो इसलिए मैं इसको ईको पे ड्राइव कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रैफिक का टाइम है, सुबह मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, एमजी ने फ्लैग ऑफ किया है और हम लोग सुबह सुबह यहाँ से निकले हैं ड्राइव के लिए, तो अभी ट्रैफिक भी आ गया है। तो देखिए ट्रैफिक में जो फंसते हैं हम लोग, उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे छोटी गाड़ी है, छोटे स्पेसेस में ईजिली निकल जाती है। एक अलग सी चीज़ ये है कि गाड़ी में कहीं भी आप लोग को स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई की का ऑप्शन नहीं है, और की तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है कि रिमोट की तरह वाइट कलर की है, जिसको आप लोग कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, ऑब्वियसली जो पर्सनलाइजेशन ऑप्शन मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं, बट अगर मुझे गाड़ी को ऑफ़ करना है तो अपने आप ये बंद हो जाती है और मुझे बार बार स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है तो 2 बार मैं पेडल को प्रेस करूँगा और ये अपने आप स्टार्ट हो जाती है, तो काफ़ी अलग चीज़ है, कोई स्टार्ट स्टॉप बटन ही नहीं है जहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, सिर्फ मैं इस पर 2 बार पेडल को दबाता हूँ और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है।
तो देखिए मैंने इको पे गाड़ी को स्टार्ट किया है और एक्सेलरेशन मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये एक्सेलरेट किया है और अब मैं सबसे आगे निकलता जा रहा हूँ। लाइक 60-70 तो बहुत इजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टच करना। बाकी पावर तो आपको गाड़ी के अंदर 42 PS की मिलती है और 110 Nm का टॉर्क मिलता है, तो टॉर्क ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। और ऐसी गाड़ी के हिसाब से जो छोटी गाड़ी है इसके हिसाब से आप लोग जो है ईजिली निकलते चले जाएंगे। अब मैं इसको चेंज करता हूँ और नॉर्मल मोड में आता हूँ। नॉर्मल मोड में जो एक्सेलरेशन है, जो पेडल है, वो थोड़ा लाइटर हो गया है और आप लोग ईजिली जो है ये देखिए गाड़ी जंप करी है और कोई इतना फील नहीं हुआ कि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँची हो गई है या पलट जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है तो गाड़ी थोड़ा सा चिपक कर ही चलती है। बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन है, हवा से बातें कर रही है गाड़ी। अब मैंने लगा दिया है स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स तो बहुत ही कमाल का है। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मेरे की कितनी स्पीड जा रही है, 80-90 टच कर रही है। तो अभी मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि लोग जो साइड में गाड़ी को देख रहे हैं वो शायद इसीलिए देख रहे हैं कि गाड़ी जो है नई है। जितने लोग सड़क पे खड़े हैं वो सब मुड़ मुड़ के गाड़ियों को देख रहे हैं जितनी हम लोग ड्राइव के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि ये गाड़ी सड़कों पे तो अभी दिख नहीं रही है, लॉन्च भी नहीं हुई है जब मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। तो लोगों को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और हर कोई ऐसा लगता है कि मुझसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी गाड़ी है, ये कितने की है, क्योंकि इस तरह की गाड़ी जो है वो डायमेंशंस ही ऐसे हैं कि आप लोग देख के जो है कह सकते हैं कि भाई बहुत ही यूनिक है। स्पोर्ट्स मोड पे तो गाड़ी जो उठती है वो बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन है, मतलब और पावर जो है वो जीरो के ही स्पीड से फील हो जाती है। बाकी अगर विजिबिलिटी की बात करता हूँ तो देखिए गाड़ी के अंदर अच्छी खासी विजिबिलिटी है और ए पिलर जो है वो भी कोई ब्लॉक नहीं कर रहे हैं विजन को, दोनों तरफ आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है। पीछे का जो साइड मिरर है इसकी विजिबिलिटी का इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर जो है जो रियर विंड स्क्रीन है वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ईजिली मुझे गाड़ियाँ दिख रही हैं क्योंकि एक बॉक्सी शेप है जो जिस तरीके से आप लोग वैगन आर वगैरह में देखते हैं, तो जो बॉक्सी स्टाइल है उससे भी ज़्यादा कहीं ये बॉक्सी स्टाइल है। तो आप लोग को अच्छा जो है अपस्टांस मिलता है और आप लोग हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है। ऐसा नहीं है आप लोगों को लगेगा कि बहुत अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो टच करेंगे, मेरी हाइट 5'8" है और मैं ईजिली इस गाड़ी को जो चला रहा हूँ मुझे इतना स्पेस मिल रहा है, एक बिलोंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही मिल रहा है। बाकी अगर बात करता हूँ गाड़ी के अंदर कंफर्ट वगैरह कैसा है, देखिए अपस्टांस मिल रहा है, सीट काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग वगैरह भी अच्छी है, बट ये चीज़ ज़रूर फील हो रही है कि कंफर्ट वगैरह तो गाड़ी के अंदर है बट लाइट कलर है जहाँ पर आप लोग को मेंटेनेंस हाई हो जाएगी। इसको वाइट बरकरार रखने के लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। अभी जो गाड़ी है आप लोग को अगर ये साउंड सुनाई पड़ रही है कि ये मुझे नोटिफिकेशन दे रही है तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग को लगता है। देखिए अभी मैं गाड़ी को रोक दिया है और ये यहाँ पर जो है इसे नोटिफिकेशन बंद कर दी है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह काफ़ी हैंडी है, स्टेरिंग काफ़ी अच्छा है, लाइट है, बहुत ज़्यादा आप लोग को जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। छोटी कार है उसके हिसाब से ईजिली जो है वो स्टेरिंग जो है वो टर्न हो पाता है। और बाकी गाड़ी का जो डायमेंशन है वो छोटा है जिससे टर्निंग रेडियस भी काफ़ी कम है। और ट्रैफिक में वाकई आपको फील हो रहा है कि छोटी गाड़ी है और आप लोग इजीली इसको निकाल पा रहे हैं। अब बड़ी गाड़ी के लिए आपको देखना पड़ता है कि भाई कहाँ से जगह मिलेगी मुझे और कहाँ से इसको निकाल पाऊँगा। बाकी अगर बात करता हूँ कोई नॉइस है, हार्शनेस है, कोई इंजन तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉइस सुनाई देगी, बट हाँ वही जो एक इफ़ेक्ट होता है जब एक्सेलरेट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो वो जो आवाज़ आती है वो उसमें आपको फील होगी ही क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बाकी कोई ऐसा सच नॉइज़ जो है अच्छा खासा इंसुलेशन मिल रहा है, बाहर की नॉइज़ अंदर नहीं आ रही है, कुशनिंग वगैरह अच्छी है, डोर पैडिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, डोर की जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, तो वो मुझे उससे कोई इशू नहीं है, उसमें मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बट हॉर्न मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर हो सकता था क्योंकि ये जो हॉर्न है थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहता था ड्राइव से रिलेटेड। बताइए मैं गाड़ी रोकता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि मुझे ये गाड़ी कैसी लगी है और आप लोग को ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो किन लोगों को लेनी चाहिए।
तो आइए बात करते हैं उस चीज के बारे में कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो किन लोगों को लेनी चाहिए। देखिए MG ने ये गाड़ी उतारी है, बहुत यूनिक है, मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आपको दे रही है, इतने सारे फीचर्स के साथ मिल रहे हैं। आप लोगों ने एक राइवल तो नहीं कहूँगा, एक इसी तरह की डिज़ाइन वाली छोटी कार देखी होगी जो इंडिया में नहीं चल पाई थी, इसके बहुत सारे रीजन थे, बट इसमें वही चीज़ कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बन के आई है। अब ये गाड़ी जो है बहुत कॉम्पैक्ट है, स्पेशली अर्बन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं और ट्रैफिक से परेशान रहते हैं और जहां पर पार्किंग स्पेस के इश्यूज रहते हैं, उनके लिए गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर छोटी फैमिली है, आप लोग सोलो ही ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहते हैं, यानी आप लोग बड़ी 7 सीटर SUV के साथ अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे इन्वायरमेंट के लिए भी वो सही नहीं है। बट ये गाड़ी एक पर्पस को देख के बनाई गई है, एक पर्पस ड्रिवन कार है, ईवी है, और ये गाड़ी जो है फ्यूचर को देखते हुए बनाई गई है। अब ये गाड़ी के अंदर आप लोगों को क्या सारी चीज़ें, खासियत और कमियां मिलती हैं, ये तो मैंने प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियो में बता दिया है, अगर नहीं देखिए तो जाके देख लीजिएगा। बट इस गाड़ी को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहां पर 250 से ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल रहे हैं। गाड़ी के अंदर जो इनबिल्ट है वो 5000 ऑप्शंस आते हैं, अगर आप लोग को वही पसंद आ रहे हैं, ब्लैक, सिल्वर, वाइट, इस तरीके जो ऑप्शंस आते हैं, अगर आप लोग वो पसंद कर रहे हैं तो आप लोग स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, अगर आप ये कलर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए जा सकते हैं। बट अगर आप लोग ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन चाहते हैं, जो आप लोग किसी गाड़ी में नहीं मिलने वाला है, वो आप लोगों को MG Comet EV में मिलेगा। तो मेरे हिसाब से प्राइस की अगर बात करता हूं, देखिए प्राइस जो है, अभी जिस टाइम में गाड़ी को शूट कर रहा हूं, गाड़ी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, ये मीडिया कार है, हमको MG की तरफ से मिली है, और ये गाड़ी अभी प्राइस इसका नहीं पता चल पाया है, बट एक गेस है कि ये गाड़ी 10 से 12 लाख के आसपास प्राइस ब्रैकेट में रहने वाली है, और अगर इससे ज्यादा होती है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, अगर कम है तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई बहुत ही अच्छे प्राइस पे गाड़ी आई है। अब देखना यह है कि 230 किलोमीटर की ये गाड़ी रेंज दे रही है, रियल टर्म में जब इसका हम लोग ड्राइव करेंगे प्रॉपर, इसको हम लोग रेंज टेस्ट करेंगे, तो हम मैं इसकी रेंज टेस्ट करके बताऊंगा कि रियल लाइफ में कितना दे रही है। बट अभी भी आप लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे 200 से ज़्यादा की रेंज आती है, 220, 240 के आसपास इसमें रेंज दिखाई पड़ती है। अब इलेक्ट्रिक में आप लोगों को पता है कि रेंज जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से इंपैक्ट हो जाती है, बट इसके अंदर अच्छी खासी रेंज मिल रही है। सिर्फ हवा वाली बातें नहीं है कि आप लोगों को 400 किलोमीटर की रेंज देके आप लोग को 200 किलोमीटर की रेंज मिले, ऐसा इसके साथ नहीं है, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखा है आप लोग भी देख पा रहे हैं, तो इतनी रेंज इसके अंदर मिल रही है। बाकी चार्जिंग ऑप्शन में आप लोग को दो तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब आप लोग अगर 80% चार्ज करते हैं तो 5 घंटे में हो जाती है, और अगर टोटल टाइम की बात करता हूं तो 7 घंटे में हो जाती है। पावर भी अच्छी है, पिकअप अच्छा है, छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट है, कंफर्टेबल है, बट एक चीज़ है कि दो डोर वाला ऑप्शन है, तो जो लोग ओल्ड एज में होंगे, जो लोग पीछे बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो पीछे नहीं जा पाएंगे, बट स्पेस ठीक ठाक है, बच्चे बैठ सकते हैं, और अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप लोग इजीली बैठ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा यंग लोग हैं, अट्रैक्टिव ऑप्शन आते हैं, तो वो लोग इसके लिए जा सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में यही था, जहां पर मैंने आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में बताया कि गाड़ी क्या चीज़ों के साथ आ रही है, कितनी चीज़ें ये ऑफर कर रही है। अब कमियां देखनी है, प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियो देखिए, जहां पर आप लोग समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें अभी भी बाकी रह गई हैं, जो आप लोग पहले ही जो एक अनबायस डिसीजन होता है वो मैंने प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियो में बता दिया है, आप लोगों को सारी डिटेल दे दी है। बट अगर मैं बात करता हूँ क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, कमियाँ क्या हैं, वो आप लोग प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो में देखिएगा। आज की इस वीडियो में यही था, मैंने आप लोगों को सारी डिटेल दे दी है। आप लोग को ये गाड़ी कैसी लग रही है, क्या आपकी ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मोटोनॉमिक्स को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी कभी जाइए फॉलो कर लीजिए और देख लीजिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बाकी लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए हैं बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।